हेलो दोस्तों, देखिए दिवाली का सीजन है तो दिवाली से रिलेटेड एक और शेयर हम यहाँ पर दे रहे हैं। एक शेयर से रिलेटेड अभी वीडियो बनाइए जो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न अगली दिवाली तक दे सकता है। सेम एज इट इज, इस दिवाली से अगली दिवाली तक एक साल के लिए एक शेयर है जिससे रिलेटेड मैं बातें करूँ, जिसका नाम है बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या यहाँ पर टारगेट है, वो सब चीज जानेंगे। जानेंगे चार्ट से रिलेटेड और एक एक करके यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। कैसे और कितने रिटर्न ये कंपनी आपको दे सकती है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है और उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मार्केट में सीरियस हो, मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो इंस्टेड ऑफ पैसा गंवाने की जगह, तो आप हमारा बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, ये कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग है, स्ट्रेटेजी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ यहाँ पर दिया जाते हैं। 8860540501, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है, अभी 25,000 है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कि यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है, क्या किस तरीके बिजनेस मैन है। तो बाइक सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, नंबरों को नोट करके कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारे साथ काम भी कर सकते हो। बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इससे बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, ठीक है ना। तो मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर इस शेयर को बिल्कुल ही मत लीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। बॉम्बे डाइंग या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 238 रुपए का, लगभग 7% की आज यहाँ पर तेजी देखी गई है, ठीक है। कंपनी की बात करें तो ये डाइंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज करेंटली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल इस्टेट डेवलपमेंट, पॉलिस्टर, स्टेपल फाइबर एंड रिटेल टेक्सटाइल। तो यहाँ पर बात करें टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है ना, फाइबर से रिलेटेड काम है, एज वेल एज डेवलपमेंट, ये रिटेल से, रियल एस्टेट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसके बारे में, तो आपको पता चलेगी इसका सेगमेंट किस तरीके से, कंपनी करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब चीज आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आप इनकी वेबसाइट पे एक बार जाके ना देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इनकी वेबसाइट पर मैंने क्लिक तो किया था बट ये आ रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा एक तरीके से यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग 62% यहाँ पर पॉलिस्टर, स्टेपल फाइबर से रिलेटेड यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस सेगमेंट है 2% टेक्सटाइल से, 22% रियल इस्टेट। तो यहाँ पर इंडिया में 78% का बिजनेस है, एक्सपोर्ट 22% का, 20+ कंट्रीज में इनके यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग क्या है, वो सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर दे रखी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और चीजें। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 4,915 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, इसका मतलब है स्मॉल कैप। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीजें याद रखिएगा, क्या सबसे पहले तो इसमें हमारे चैनल का नाम हम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो हम इसी ऐसे ही शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। दूसरी चीज, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। जो चीजें स्टॉक मार्केट में इस तरीके से काम करते हैं, जब भाग रही होती है तो आपके पैसे बहुत ज्यादा बना देते हैं, कैसे शेयर 50 रुपए से 250 रुपए हो गया आपको पता भी नहीं चली, और जब ये गिरेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये शेयर 300 रुपए वाला स्टॉक्स कब 40 रुपए पे पहुंच गया, आपको पता भी नहीं चला, और आपको 90% 80% के जो रिटर्न है वो आपसे यहाँ पर छीन लिए। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, अगर ये आप कर पाओगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप में पैसे बना पाओगे, नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ पर एक तरीके से गलती होगी, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। पी दे नहीं रखा क्यों, क्योंकि कंपनी यहाँ पर शायद घाटे में यहाँ पर अपना रेवेन्यू पेश कर रही होगी। आरओसी, आरओई, आरओई देखोगे तो नेगेटिव है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ देखोगे वो भी घटती हुई नजर आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का लगभग 26% के आसपास है। इंडस्ट्री का पी 23 का है, और यहाँ पर डेट की बात करें डेट फ्री शेयर है, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 327 की इंट्रेंसिक वैल्यू है, 238 पे शेयर चल रहा है, तो यहाँ पर ही शेयर मुझे लगता है 50% के रिटर्न तो यही हो गए। फेस वैल्यू की बात करें 2 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड थोड़ी बहुत कंपनी यहाँ पर देती हुई नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, एक ही रेंज में यहाँ पर काफी सालों से घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तो जानते हैं और चीजों से रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कंपनी
बीच में अच्छा खासा काम कर रही थी, उसके बाद इनकी जो सेल्स है वो लगातार गिरती हुई नजर आई, बट अगेन कंपनी अच्छा खासा मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनकी जो सेल्स है वो दोबारा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो यहाँ पर घाटा हुआ करता था वो अब यहाँ पर प्रॉफिट में आ गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड ऑल यहाँ पर अभी आप देखोगे तो अभी भी कंपनी है तो प्रॉफिटेबल, बट उतना प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट नहीं कर रही है। बट पॉजिटिव चीज क्या है, पॉजिटिव चीज ये है कि जहाँ पर लगातार घाटा हो रहा था, ठीक है, वहां पर पिछले 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज है जो इस पर्टिकुलर कंपनी में तब्दील होती हुई नजर आई है, तो इसीलिए इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। दूसरी चीज हम बात करें, कंपनी पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया करती थी, ठीक है, अच्छा, कहाँ पर 2000 से यहाँ पर डबल के रिवेन्यू होते हुए नजर आए, फिर यहाँ पर आप देखोगे लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और 1600 करोड़ के आसपास तक के ही रिवेन्यू इनके बसते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट किया करती थी कभी, ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे कुछ सालों से लगातार यहाँ पर घाटा ही होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको घाटा ही दिखाई देता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अदर इनकम जो ऊपर हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी ओवरऑल ईयरली बेस पे आ गई है। बट यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई अदर इनकम नहीं है, बट स्टिल कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके भी दिखा रहा है, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स यहाँ पर देखोगे कंपनी के लगभग लगभग 1800 करोड़ के हैं, जो बीच में अच्छे खासे थे फिर यहाँ पर घाटे में आ गए, वो अभी 1800 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, तो आगे चल के बोनस भी मिल सकता है। कंपनी की बात करें तो देखिए 5000 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के जो रिजर्व्स है वो यहाँ पर 1800 करोड़ के लगभग हाफ रिजर्व्स नजर आते हैं। बोरिंग जो कंपनी के ऊपर 3600 और 4500 करोड़ की हुआ करती थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है, और केवल 3 करोड़ रुपए की बोरिंग रह गई है, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पर अभी इन्हें मिलता हुआ नजर आया था अदर इनकम, उन्होंने पूरा का पूरा डेट को यहाँ पर चुका दिया है, ठीक है, डेट फ्री यहाँ पर ये शेयर है, और इसी वजह से आप देख पा रहे हो कि कंपनी में क्या हुआ है, टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर बीच में डेट में लगभग लगभग आप देख पा रहे हो कि 115 148 करोड़ रुपए का डेट दे रही थी, वो 6 करोड़ के आसपास का ही डेट दे रही है, और अभी 3 करोड़ की बोरिंग है, तो अभी वो भी इतना भी नहीं जाएगा, और इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए कहाँ 500 500 करोड़ के 200 करोड़ के रिजर्व इंटरेस्ट में ही जा रहे थे, जिस वजह से कंपनी लगातार घाटा कर रही थी और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं रहा था, बट अब चेंजेस हो रहे हैं, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि कंपनी का जो वर्क इन प्रोग्रेस में 14 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट लगभग 746 करोड़ के आसपास का है, और कैश की बात करें तो 778 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कैश ही पड़ा हुआ है, तो कंपनी अच्छा खासा काम करने लग गई है, डेट को चुका दिया, डेट को चुका दिया मतलब आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को खत्म कर चुके हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज है, 53% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास अभी ना के बराबर है, डीआईएस के पास ना के बराबर, पब्लिक के पास 44 है, उनमें से भी यहाँ पर देखेंगे तो प्लूटस वेल्थ ने इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में 2.18% की होल्डिंग ली है, तो अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है कि अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं यहाँ पर लोग, ठीक है, साथ में यहाँ पर आप देखोगे बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, तो ओवरऑल फंडामेंटल चेंज आ रहे हैं, तो फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, तो 1 साल का टाइम अगर हम देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा काम करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट करिएगा, नंबर नोट कर लीजिए, कोर्स हमारे साथ काम कर सकते हो। देखिए शेयर में लगातार गिरावट हुई, स्टेज 4 में गया, स्टेज 4 से स्टेज 1 में, और अभी स्टेज 2 में शेयर चल रहा है ना, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट यहाँ पर दिया जा रहा है, अभी क्या नजर आता है, अगर कोई अभी अटेम्प्ट करता है तो सबसे पहली बात तो मेरे कहने पर नहीं लेना और किसी और के कहने पर नहीं लेना, खुद की स्टडी करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अगर कोई यहाँ पर अटेम्प्ट भी करता है तो याद रखिएगा 230 रुपए 7 रुपए की रिस्क बनती है, जो कि बहुत कम रिस्क है, और रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड है कि जैसे ही ये शेयर 242 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है सीधे यहाँ पर जा रहा है 310 रुपए की तरफ। 310 का मतलब क्या है, 310 का मतलब सीधा है कि अगर यहाँ से यहाँ पर जाता है तो आपके 32% के रिटर्न तो यहाँ पर ही बन गए, ठीक है, 32% के रिटर्न सामने बन गए, इससे पहले शायद 276 पे एक बार रुक सकता है और 200 300 के आसपास रुक सकता है, ठीक है, तो ओवरऑल 32% के रिटर्न ये बन गए। उसके बाद चीज थोड़ी बहुत नीचे आएगी, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, इसलिए मैंने 1 साल का टाइम लगभग लगभग लिया है, और जैसे ही इस वाले पीरियड को निकालेगी जो कि यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा तो शेयर धीरे धीरे करके इस रेंज में जाएगा जो कि 587 के आसपास 600 के आसपास के यहाँ पर टारगेट बनते हैं, और तो यहाँ पर आप देखोगे तो शायद 1 साल के अंदर अंदर आपको 80% से लेके 100% और 145% तक के रिटर्न यहाँ पर बन सकते हैं, बट एज आई सेड कि
मेरे कहने पर किसी और के कहने पर नहीं लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को समझना है, सीखना है, और 1 साल का टाइम अगर आप देते हो तो शायद ये एक मल्टीबैगर शेयर आपके लिए प्रूव हो सकता है। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी, अब ये मत कहिएगा कि सर मैंने आपके वीडियो देखी और उसके बेस पे ले लिया और मैं फंस गया, ठीक है। चीजें यहाँ से नीचे भी आ सकती है और गिर के बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है, शायद ये 50% क्रैश हो सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और शायद यहाँ से सीधे भागते भागते यहाँ तक पर भी जा सकता है, तो इसलिए मुझे ब्लेम मत करिएगा। मुझे क्या लगता है, मैंने उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दिया है, टेक्निकल मुझे सुपर नजर आते हैं, फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। वीडियोस देखिए, सीखिए, समझिए और इन नंबरों को नोट करके यहाँ पर आप कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।